हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर। हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर 21 मई 2024 को, यानी कि ट्यूजडे को, कौन सा डाटा आ रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7 AM पर, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा AUD USD के ऊपर। और यहाँ पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो RBA है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उनका मीटिंग मिनट्स कि यहाँ पर रिपोर्ट आनी है। और जो मीटिंग मिनट्स है उसमें वो ये डिसीजन ले सकते हैं न कि आगे की जो इनकी रिपोर्ट होगी वो कैसी होगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कैसा रहने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमें AUD USD में 7 AM पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप 7 AM पर इसके ऊपर नजर रखिए। सेकंड जो यहाँ पर डाटा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है वो 11:30 AM पर आ रहा है। और उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी डाटा आता है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर हम आपको अपडेशन देते हैं कि क्या मूव रहने वाला है उस डाटा के अकॉर्डिंग। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही दोस्तों, जितना भी ये डाटा आता है इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एक्सनेस पर। एक्सनेस जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है दुनिया का। और दोस्तों, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है और भी जो कि आप जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो काफी सारे बैन भी हो चुके हैं। तो आप सबसे भरोसेमंद जो ऐप है उसका यूज कीजिए। मैं खुद सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सनेस का यूज कीजिए। सैटरडे संडे को भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें। साथ ही इनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो 24 आवर है, लाइव चैट के थ्रू आप कभी भी इनसे बात कीजिए कोई भी दिक्कत हो तो। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी के ऊपर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे मनी ऐड करनी है, कैसे विड्रॉ करना है। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर सबसे ऊपर आपको एक्सनेस का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और सीधा आप एक्सनेस की वेब पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन वीडियोज की हेल्प से। और जो विड्रॉल होता है दोस्तों, वो भी आपके विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर अंदर आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपको पैसा मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और जो पैसा आपको आता है वो इंडियन रुपीज में आता है, डॉलर्स में नहीं आता, तो वो और भी बढ़िया चीज है। तो 11:30 AM पर यहाँ पर नेक्स्ट डेटा आ रहा है और वो जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा EU और USD के ऊपर। और यहाँ पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जर्मनी, जो कि यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज का सबसे बड़ा क्षेत्रफल उसका ही माना जाता है, तो उसका काफी इंपॉर्टेंस रहती है। तो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डाटा, PPI का डाटा यहाँ पर आ रहा है, 0.2 का, 0.2 ही रहने की उम्मीद है यहाँ पर। चाहे इतना इतना ही आए, लेकिन यहाँ पर आपको EU और USD में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये बढ़ा हुआ नहीं है तो उसका भी यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें EU और USD में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो कनाडा के ऊपर पड़ेगा, यानी कि USD CAD के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कनाडा का डाटा आ रहा है और कनाडा का यहाँ पर CPI का डाटा आ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है 0.6 से यहाँ पर ये 0.5 होने की उम्मीद है। अगर ये घटता है यहाँ पर तो USD CAD में यहाँ पर ऊपर की ओर मूव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो USD CAD में हमें डाउनसाइड को मूव देखने को मिल सकता है। तो आप इसके ऊपर नजर रखिए और आपको यहाँ पर 6 PM पर मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये है डाटा जो कि आना है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।